में ख़ास बात यह है कि आई विल गेट टू परफॉर्म अ लॉट, और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है अगर उसके कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हों तो आपको एक तरह से आपकी भूख मिट जाती है फॉर बीइंग एन एक्टर. सो दिस कैरेक्टर इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके काफ़ी शेड्स हैं और स्टोरी भी बहुत वंडरफुल है, प्लस इट्स हॉरर, आई लव हॉरर मूवीज. सो येस, आई एम थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी and our director is awesome, so I'm just looking forward to work with him. आपने दोनों मीडियम में काम किया है, छोटे पर्दे पर अब बड़े पर्दे पर, क्या डिफरेंस महसूस करती है आप? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों जगह सेम ही है, आप पर डिपेंड करता है हाउ यू टेक इट. ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा एज अ बिजनेसमैन थे आप पहले, तो क्या आपको अट्रैक्ट किया फिल्म्स की तरफ, अगर कुछ बताएं और किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं. एक्चुअली एक्टिंग मुझे बचपन से ही बहुत इंस्पायर करती थी, कहीं ना कहीं अगर मैं बिज़नेस में भी एंटर हुआ तो बॉलीवुड को लेके ही एंटर हुआ था. मुझे एक दिन मुंबई आना था और आज मैं आपके सामने हूँ. और जहाँ तक करेक्टर की बात है, इसमें ये करेक्टर मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत मैच करता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि इसमें भी मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आई थिंक मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी ये करेक्टर निभाने में. इट्स अ गुड. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो? अभी मैंने इसके अलावा 4 फिल्म साइंस की है, इसमें कर्तव्य है एक, और बॉस डीके है, चक्रव्यूह है और द लॉन्गेस्ट नाइट है. तो 4 फिल्म साइन किए, जो इसके बाद उनका रेगुलर बैक टू बैक शूट है, मैं रेगुलर शूट में रहूँगा 2019. होप सो की चीज़ें अच्छी हो. सर, इन दिनों जो है वेब सीरीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ प्लान किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए? अगर आई हैव डन रिसेंटली वन फिल्म कॉल्ड गर्णिका फॉर एन ऐप कॉल्ड उल्लू which is getting launched soon. वो किया है और एक और फिल्म की है जिसका नाम अभी डिसाइड कर रहे हैं विद शावर अली एंड खालिद सिद्दीकी. सो इट्स गोना बी आउट सून टू. एंड रेस्ट आई एम डूइंग म्यूजिक, मेकिंग म्यूजिक एंड डूइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. सो टुडे ओनली इन फैक्ट आई रिकॉर्डेड माई अपकमिंग ट्रैक सोलो. सो येस, म्यूजिक इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ एंड दिस. आपका जो लास्ट एल्बम था उसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी था लेकिन अप्रिशिएट किया गया. यस, कितने खुश हैं और क्या कॉम्प्लीमेंट? आई एम वेरी हैप्पी, मैंने पहली बार ट्राई किया अपना सोलो गाना निकाला और उसको लोगों ने इतना पसंद किया. ट्रोलिंग इज ओके, इट डजंट मैटर, बट लोगों ने उसे देखा वो मैटर करता है, लोगों ने उसे पसंद किया वो मैटर करता है, एंड आई एम रियली हैप्पी. इट्स बीन लॉन्ग टाइम यू आर देयर इन द इंडस्ट्री और अभी जो है मी टू कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो पुरानी हो गई है. हैव यू फेस एनीथिंग? वो पुरानी हो गई है. एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट? नो, आई डोंट. ओके सर, आप बताइए
नहीं वो सब पुराना है, मैं अभी नया हूँ इस इंडस्ट्री के, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 2019 में। मैं कहाँ फंसा रहे हो अभी, लड़का यहाँ पे आके बैठा है मी टू डायरेक्ट। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी स्टार्ट करने दो यार। शॉर्ट फिल्म टू जिसकी बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जो कि सून आएगी बाहर, और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी इट्स इन द प्रोसेस। सी नाउ सिंस हमें अब स्क्रिप्ट मिलने वाली है सो वी विल बी गेटिंग इन साइड द कैरेक्टर एंड यस इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट इन टू अ कैरेक्टर। अगर आप उसको जीना शुरू कर देते हो तो आप ऑलरेडी घुस ही जाते हो उस कैरेक्टर पे, सो वी बिलीव इन लिविंग द कैरेक्टर। सो यस एज यू सेड कि भूषण एंट्री करने वाले हैं बॉलीवुड में, तो उनके साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, किस तरह? सी अभी मैं पहली बार मिली हूँ इनको, बट ये केमिस्ट्री आपको ऐसे ही नहीं दिखेगी, ये बहुत फन हो जाएगी क्योंकि अभी हमारी पहले बात भी नहीं हुई है, अभी डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, सो यस इट विल बी फन, मजा आएगा। भूषण आप बिजनेसमैन भी हो और आप फिल्म में एंट्री करने वाले हो, कैसे मैनेज करने वाले हो दोनों चीज़ें? एक्चुअली मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एज अ मोटिवेशन। मैं लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू मैनेज द टाइम, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अब मैं एक नई इंडस्ट्री में एंटर होने वाला हूँ और मैं 3-4 इंडस्ट्री में ऑलरेडी हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए अच्छा रहेगा और आई लाइक इट, कि मुझे पसंद है कि मैं मल्टीपल काम करूँ। और सारा के बारे में मतलब क्या सुना था आपने? और हाँ, काम करने मैंने इनके म्यूजिक, मैं टीवी तो नहीं देख पाया मगर मैंने म्यूजिक वीडियो देखे हैं इनके, शी इज़ ग्लैमरस। थैंक यू। म्यूजिक वीडियो देखा है, ये नोट करना भाई मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है, बिकॉज म्यूजिक इज व्हाट इज माय पैशन इज एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग, सो आई एम थैंकफुल। थैंक यू सर। जानना चाहूँगा आपसे, ये जो फिल्म है प्यार एक तरफा, क्या वजह थी आपको ये फिल्म चुनने की और इस फिल्म का पार्ट होने की? हॉरर फिल्म है, मुझे हॉरर फिल्म बहुत पसंद है और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ हॉरर फिल्म सो मैंने सोचा व्हाई नॉट। यस तो यहाँ पे मेकिंग अ बिग नेम इन टेलीविजन इंडस्ट्री में बड़ा नाम है आपका, काफ़ी शोज किए, लेकिन ये फिल्म अगर देखा जाए तो एक देर इज़ नथिंग विच इज़ स्मॉल, इट्स योर आइज, आप देखते हो क्या छोटा है क्या बड़ा है। एंड बींग एन एक्टर, अगर कुछ परफॉर्म करने के लिए आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जहाँ पे यू आर रियली सेटिस्फाइड विद इट, सो वाई नॉट टू टेक इट अप, और यू नेवर नो, छोटी चीज़ कभी भी बड़ी हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि टेलीविजन इंडस्ट्री से कितनी सारी एक्टर्स आ रही है बॉलीवुड में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, जैसे मोनिका की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे खासा प्रोजेक्ट किया, तो क्या कहना चाहेंगे, वो जरूरी कितना होता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट के बड़े स्टार के साथ काम करना? आई डोंट नो, लेट्स सी, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन योर लक एंड योर डेस्टिनी। आप हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो भी आप ब्रेक स्टेटमेंट देती हैं या जो कमेंट करती हैं, क्या कहना चाहेंगे, व्हाट रियली मैटर टू मेक सम टाइप ऑफ कमेंट? जो मैं कहना चाहती हूँ मैं कह देती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। बट डज इट अफेक्ट योर करियर और पर्सनल? इट डजंट, डू यू थिंक इट इज? लास्ट टाइम जो आपने वो गुर्खा के खिलाफ बारे में बोला था, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दैट। अच्छा, बिग बॉस की बात करें तो वो कितना आपको इफेक्टिव रहा है करियर के लिए? बहुत अच्छा रहा है, इट्स पास्ट, लेट्स टॉक अबाउट प्यार एक तरफ। क्या है स्टूडेंट, हॉरर फिल्म है, कोई स्पेशल चीज़ है इस फिल्म के बारे में बात करनी है? जी हॉरर फिल्म है और बहुत अमेजिंग स्टोरी है, जब आप देखेंगे तो पता लगेगा, इससे ज़्यादा और नहीं बता सकती। थैंक यू सो मच।